फरमान खान का जो नया शो आने वाला है उसका फर्स्ट लुक फरमान खान ने खुद ही शेयर किया था। अब मैंने उस पर थोड़ा रिएक्ट कर दिया, मुझे क्या लगा वो बता दिया। लोगों ने एक तरफ से कमेंट करने शुरू कर दिया कि भाई तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम नेगेटिव बोल रहे हो, तुम्हें कहाँ से सारे के सारे जो शोज हैं उसका करेक्टर एक ही जैसा लग रहा है, भाई क्या कर रहे हो। ठीक है भाई, बट अभी एक BTS की वीडियो सामने आई है इसी शो की जो अभी आने वाला है। उस BTS को देखने के बाद लोग आग बबूला हो चुके हैं और भयंकर तरीके से हुए हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि आप भी आग बबूला होने वाले। रीजन क्या है, चलो पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आप खुद पे खुद बोलोगे कि भाई सही बात है। सो हेयर इज द वीडियो। अब इस वीडियो में अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले तो आपको असीता धवन नजर आ रही होगी। कौन है? धर्मपत्नी में रवि की चाची बनी हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा कैमरा घूमता तो हमें नजर आती है अदिति। अदिति याद है? नहीं है जो बीच में एक रोड़ा बनी हुई थी वो है, मतलब सीरियसली काव्या, सीरियसली। पर अभी खत्म नहीं हुई बात, उसके बाद अगली चीज ये जो पिंक कलर के टॉप में है और व्हाइट कलर की कैप में है, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कृतिका प्रतीक्षा। लग रहा है, नहीं हूं मैं श्योर क्योंकि वीडियो इतनी क्लियर नहीं और कैमरा ज्यादा देर के लिए रुका नहीं, तो मैं श्योर नहीं हूं कि ये कृतिका है या नहीं है, बट फुल स्टॉप अभी नहीं लगा है। क्वेश्चन मार्क काव्या के पापा जी। और फिर फहमान खान, मतलब भाई सीरियसली फैंस इतने भड़के हुए हैं, सब यही बोल रहे हैं कि भाई ये लोग क्यों पीछा नहीं छोड़ रहे फहमान खान का। और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई, पीछा छोड़ना ना छोड़ना वो अलग बात है, कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है, वो किस कास्ट को चूज करेगा फॉर मूवीज टीवीज वेब सीरीज शोज हर चीज के लिए, इनका कोई रोल नहीं होता। बट मैं इस बात पर भड़क रहा हूँ कि भाई क्यों वही सिमिलर कास्ट को दोबारा रिपीट किया जा रहा है नए शो में। चलो तो फहमान खान है नए, ठीक है देवात्मा नहीं है, देवात्मा भी है इसमें आगे, ठीक है। तो यार समझ में आता है चीजें कि हाँ चलो नए हैं तो ओके फाइन, बट यहाँ पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाकी के बाकी जो कैरेक्टर्स थे मेन लीड में धर्मपत्री के, उनको क्यों यूज किया गया। सीरियसली यार अभी शो शुरू भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक हल्का सा हम कह सकते हैं कैरेक्टर पोस्टर दिखा दिया फरमान खान ने, ये BTS आ गया और चीज इतनी ज्यादा इंटेंस हो रही है, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल अभी से हो चुकी है। पता नहीं अब आने वाले टाइम पर जैसे जैसे BTS आएंगे, जैसे कैरेक्टर्स हमें एक्टर्स नजर आएंगे तो क्या होने वाला है फैंस का रिएक्शन। बाकी यार मैं तो सिर्फ इसी बात से डिसअपॉइंट हूँ कि यार क्यों उस कास्ट को दोबारा रिपीट किया जो अभी एक शो में गई थी काम करके। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि भाई सिमिलर कास्ट को दोबारा रिपीट करना सही डिसीजन है नहीं है। बाकी इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।